हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज 6 बज गए हैं। नॉर्मली मैं 5 बज के जिम चला जाता हूँ, लेकिन आज से 1 घंटा थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। बट मैं छुट्टी नहीं कर रहा हूँ। आई लव टू मतलब यहाँ भी मैं कंसिस्टेंसी रखना चाहता हूँ। बेशक से लेट पहुँचूँ, लेकिन पहुँचूँगा जरूर। गाइज, अब जिम से बाहर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऑफिस भी जाना है। हालांकि गाइज, आज मैं जिम थोड़ा सा लेट पहुंचा था, थोड़ा सा नहीं मतलब आधा घंटा एटलीस्ट लेट पहुंचा था। बट ये था कि एक मन में आ था कि छुट्टी कर लो, लेकिन मैंने बस वही गलती नहीं करी, मैं छुट्टी नहीं करी। बेसिक से मैंने कम समय के लिए करी एक्सरसाइज, लेकिन मैंने करी है। सो गाइज, अब ऑफिस के लिए घर से निकल रहे हैं। सो गाइज, आई एम गोइंग टू ड्रिंक नारियल पानी। पानी हुआ छोटा नहीं हुआ, ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं है। सो गाइस, सुबह सुबह अब मैं, जैसे कि आपको पता, मैं हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा हूँ आजकल। नहीं, जैसे कि आपको पता, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। और अब क्या है, उसके बाद जिम ज्वाइन करने के बाद ना दूसरा ये होता है कि आपको हेल्दी चीज़ें खानी होती हैं। तो ये देखो, मैं सुबह सुबह पहले मैं कुछ उठ पटांग खा लेता था, लेकिन अब मैं नारियल पानी से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। गाइस, अब पटेल चौक पहुँच गए हैं। तो पटेल चौक से, जैसे कि आपको पता है, UPSC तक अपन लेते हैं स्मार्ट बाइक स्कूटी की तरह, लेकिन उससे पहले सन से प्रोटेक्शन। तो गाइस, मैंने कल भी यही वाली बाइक ली थी, ये वाली 2018। तो चलो, अब मैं अनलॉक कर लेता हूँ इसके लिए। सो गाइस, फाइनली अब मेरी बाइक अनलॉक हो गई है। और हर दिन की तरह इस दिन भी मैं अपना बैग आगे क्यों जा रही हूँ पीछे यार, हर दिन की तरह अपना बैग आगे। और नाउ द जर्नी बिगिंस। खान मार्केट में, और खान मार्केट अभी तक बंद है। और यहाँ पर भी एक स्मार्ट बाइक का मुझे दिख रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि अपनी जो स्मार्ट बाइक है वो मैं बदल लूँ यहाँ से, और जो मेरा वाला स्टैंड है ना स्मार्ट बाइक का, वहाँ पे अच्छी अच्छी स्मार्ट बाइक में जाके कलेक्शन बना लूँ। सो दैट मुझे जब भी वहाँ से मतलब मैं जब भी यूज़ करूँ तो अच्छी वाली ही मेरे को मिले। तो चलो, आज आपको खाली खान मार्केट का ही व्लॉग दिखाते हैं। ये है गाइस खान मार्केट, जो कि अभी पूरी तरह से खाली है। यू कैन सी, अभी यहाँ पे कोई भी स्टोर खुले नहीं है, एक का दो का को छोड़ के। और ना यहाँ पे अभी मेरे को महंगी महंगी गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे नॉर्मली दिखाई देती हैं। ये देखो, अभी बिल्कुल सन्नाटा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत तो हो चुकी है। देखो, इस तरह की डेकोरेशंस तो हो ही रही है, बाकी अभी सब बंद है सब। ये देखो गाइस, यहाँ पे दुनिया भर के जितने भी हैं, मतलब सबसे एक्सपेंसिव मार्केट में से एक है। और ये देखो, ओ भाई जैगुआर, एक महंगी गाड़ी तो देखी सुबह सुबह। ऑफिस में थोड़ा जल्दी आ गया था, तो सोचा यार क्या ही कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के, चलो एक राउंड ही लेते हैं, इतने सब लोग आए, खाली फिर अकेले बैठ के मैं क्या ही करता, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए कसूट के लिए आ गया। सो दैट ये मैं खान मार्केट आपको दिखा सकूँ कि अर्ली मॉर्निंग में खान मार्केट कैसा दिखता है। ये देखो, सारे के सारे यहाँ पे आउटलेट्स हैं। और एक सामने कमल नर्सरी करके भी है एक, यहाँ से आप प्लांट्स वगैरह भी ले सकते हैं। और ये देखो, अनोखी
कोशिश करता हूँ कि जो इसकी फूड स्ट्रीट्स हैं अंदर वाली उसमें भी एक बार जाऊँ, देख लेता हूँ जाके। बट शायद पता नहीं वहाँ पे, ये देखो क्या स्टोर है, वाओ। और यहाँ पे आके ना मेरी महीने भर की सैलरी तो नहीं खर्च हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ भी टूट फूट, दिल्ली में कभी भी खुदाई बंद नहीं हो सकती गाइस, ये तो मैंने देख लिया है। मतलब चाहे कितना ही पॉश एरिया क्यों ना हो, खुदाई कहीं बंद नहीं होगी। सो अब हम इस वाली स्मार्ट बाइक को पार करते हैं, वहीं पर दूसरी वाली लेंगे। यहाँ पे सुबह सुबह मिल रहे हैं केले, और यहाँ पे आप अपना मनी चेंज भी करा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मनी चेंजर, मनी एक्सचेंजर वाले भी हैं। सो कैन सी हियर, सुबह सुबह लोग स्टार ब्रश जाने की बात कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से मैं, ये अच्छी वाली लगी है थोड़ी, सब कुछ इसमें अच्छा है, तो इसको मैं अपने वाले स्टैंड पे ले जाके खड़ी कर देता हूँ। सो गाइस अपने वाले स्टैंड पे खड़ी कर दी है, और चलो चलते हैं। सो गाइस आज ना सो गाइस आंध्रा भवन आ चुके हैं कैंटीन पे, और ये देखें यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइमिंग 8 बजे का है, 8 से 10, लंच टाइमिंग है 12 से 3, डिनर है 7:30 से 10 बजे तक। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू कैंटीन। इस साइड एक एटीएम भी है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप आके यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। ये क्या भाई, क्या है ये? मिक्स है ये, ये पत्ता गोभी, ये वाला और डालो। तो गाइस अभी तक यही सब मिला है, अभी राइस में मिलेगा, और आप फिलअप कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है। तो चलो खाते हैं। सो गाइस खाना खाने के बाद पान तो बनता है, ओनली 20 रुपीज। देखिए मेरे साथ कौन आया है, यश चोपड़ा। ये बंदे UPSC में काम करते हैं, और आज मुझसे मिलना है बहुत दिनों बाद, क्योंकि कल मैं इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि भाई तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। और तो डेली डेली मिलना है पक्का। कितने कितना टाइम है तेरे पास? मतलब भाई मेरी गर्लफ्रेंड आना चाह जाएगी, वो कहती है भाई कि योगेश से तो तुम ऐसे हाथ पेड़ पड़ के मिलते हो, तो मेरे से नहीं मिलते ना ऐसे, तो क्या होगा। सुबह से मैं ये वाली बाइक लेके आया हूँ खान मार्केट से। हाँ मतलब अच्छी है ना, थोड़ी थोड़ी मतलब इसके गियर वगैरह सब काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ले जाया हूँ। 10 रुपये लगता है आधे घंटे का। तो ये बुक दे तेरी? हाँ निकलो तो मेट्रो से आता, मेट्रो से पटेल चौक तक आता हूँ, उसके बाद यहाँ तक। गाइस कितना सीनियर लग रहा है ना, मतलब सिंसियर, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लग रहा है। क्या काम होता है तेरे अंदर? वही जो लाइब्रेरी में एक क्लास करता। गाइस से आज इससे पार्टी ली जाए या दी जाए, कमेंट में बताओ। क्या खाया हुआ था? ना मेरा कुछ मन नहीं, पेट में जगह ही नहीं, पेट में जगह ही नहीं है। पीना है तो लस्सी पी रहा है, मैं तो कुछ नहीं पी पाऊंगा, तुझे पिला, क्योंकि मैंने अभी कोल्ड कॉफी पी ली है। कोई नहीं, अब तो तू डेली मिलेगा ना मेरे को। कितना टाइम मिलता है तेरे को? 20 मिनट। चल ठीक है, 15-20 मिनट। चलो बढ़िया। तो गाय जी कम से कम आज 15-20 मिनट के लिए तो आया आज। चलो मैं इससे नाराजगी खत्म होगी, नहीं तो मैं इससे ना 3-4 दिन से नाराज ही था।
कि मैंने कहा भाई तेरे लिए हम कुछ मायने नहीं रखते, ड्रामे बहुत है इसके, तू मिलने नहीं आ रहा, ड्रामे बहुत है। हाँ मेरे को थोड़ा जल्दी बुरा लग जाता ना कभी कभी कुछ बातों का। मैंने कहा जिन दोस्तों के लिए यार हम एक बात एक आवाज़ पे चले जाते हैं वो बंदे हमसे मिलने नहीं आ रहे इतनी वगैरह में। सो गाइस मैंने और योगेश ने काफ़ी सारी बातें करी, अब योगेश जो है जा रहा है, तो बाय बाय योगेश, बाय बाय, वी विल मीट डेफिनेटली टुमारो, ओके, कल आ रहा है तू, छुट्टी नहीं ले रहा, रक्षाबंधन, मैं भी आ रहा हूँ, पहले मैंने ले ली थी कैंसिल करा ली। सो गाइस ऑफिस से हो गई छुट्टी, बट आज थोड़े प्लान्स अलग हैं, प्लान ये है कि आज दीदी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देखने जाते हैं, क्योंकि कल वो परसों रक्षाबंधन मनेगा, कहीं पर कल बनाया जा रहा है कहीं पर परसों बनाया जा रहा, तो चलो देखते हैं। सीपी जाना वैसे तो यहाँ से इसको पटेल चौक पर पार्क करके देन वहाँ से मेट्रो लेकर राजीव चौक, ओके देख लीजिए जा रहे हैं हम घर की तरफ, और सब लोग शाम के वक्त कितने जल्दी में होते ना, क्योंकि इतना टाइम 8 घंटे ऑफिस में बिताने के बाद घर ही याद आता है। सो गाइस राजीव चौक पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या हम यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे लिए, सो दैट हम दीदी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ले पाएँ। सो अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं क्रोमा। सो गाइस मुझे इधर से गिटार की कुछ आवाज़ आ रही है, ये रही या इधर कहाँ है क्रोमा, इस साइड होगा। सो गाइस क्रोमा नहीं है ई ब्लॉक के अंदर, क्रोमा है डी ब्लॉक के अंदर, तो मैं सामने से जा रहा हूँ। गाइस एल ब्लॉक में चेतक का ये आउटलेट दिख रहा है मुझे, शोरूम, और सामने एक आउटलेट दिख रहा है राडो का, घड़ी हो तो राडो, गाड़ी हो तो पराडो, इस तरह का मैंने एक जगह सुना था क्या स्लैंग। सो चलिए आपको लेके चलते हैं, अब हम लेके चलते हैं, लेके चलते हैं क्रोमा में, और अगर मेरा मन बना तो मैं आईफोन 14 भी ले लूँ, ले सकता हूँ मैं, अथा पैसा है मेरे पास अथा। ये ओल्ड स्ट्रक्चर इन सीपी। सो गाइस क्रोमा के अंदर आ गए हैं और देख रहे हैं कि कौन सा ब्लूटूथ लेना है, सो अभी दीदी के वाला गिफ्ट नहीं देख रहे हम, अभी पहले ये देख रहे हैं। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे सीपी में नॉवेल्स मिलती हुई, सामने अब हम जा रहे हैं ई ब्लॉक के अंदर, और ई ब्लॉक में है मिनी शो, क्या मिनी शो, हाँ मिनी शो, मिनी शो करके कुछ है, वहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ब्रांड्स बन रहे हैं, गॉगल्स गाइस, गॉगल्स गर्ल्स, इयररिंग्स ले लो, इयररिंग्स, ये है सीपी की गलियां चमचमाते हुई। सो गाइस ये डायरीज मिल रही यहाँ पे, नोटबुक्स 200 रुपीज में। सो गाइस मैंने जस्ट ये लिया है और लेने के लिए यहाँ पे मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। आउटलेट मिनी शो, चाइनीज आउटलेट है, मिनी शो है, मिनी शो, ये देखो पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ पे लोगों को सामने आते के साथ ही, इतनी भीड़ है अंदर, मतलब सामान तो सस्ता है खैर। सो गाइस ये देखिए नाइट वाइब्स ऑफ कनॉट प्लेस, सी गाइस देखो राय चौक पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, फेस्टिव सीजन चल रहा है ना। मैं जा रहा हूँ कटकड़ुमा वाले लाइन से, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रश है, ये देखो तो बस सकते। गाइस मेट्रो आ गई है, फटाफट चलते हैं इसके अंदर। गाइस ये देखो कितनी भीड़ जाती है शाम के समय, कितनी भीड़ है गाइस, रक्षाबंधन का है या क्या है देखना भाई, भाई मच्छरों की तरह जैसे मच्छरों की तादाद बढ़ती है।
घर पहुंचने वाला हूँ अब। सो गाइज, आज खाना वगैरह का खाने का तो मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि आज ना दोपहर से ही, मतलब जो दोपहर का लंच किया था ना मैंने आंध्रा भवन में, वो तब से ही मतलब वो था ना कि भाई अनलिमिटेड ले सकते हैं, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है, तो पेट अभी तक भी फिलअप सा ही लग रहा है, तो इसलिए मुझे खाने की आज कोई इच्छा नहीं कर रही है, तो इसलिए आज मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि ओवर ईटिंग से हमें हमेशा बचना चाहिए। और वैसे भी अब मैं जिम कर रहा हूँ तो ओवर ईटिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ना। और दूसरी बात यह है कि कल और परसों रक्षाबंधन, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से आज की या फिर कल की, दोनों में से एक आरएच ले सकते थे, बट मैंने पहले कल की ले लिया था, लेकिन अब मैंने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि रक्षाबंधन में सब मतलब बुआ दीदी सब ये शाम तक ही आएंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है कि हम एक छुट्टी लें, तो दिवाली के टाइम पे या दशहरे के टाइम पे उस छुट्टी का हम यूज़ करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको जो है मेरे डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो यार कमेंट में थोड़ा सा प्यार व्यार तो दिखाओ, थोड़ी इंगेजमेंट तो दिखाओ। इंगेजमेंट नहीं आ रही बिल्कुल भी, मतलब किस तरह से आप इंगेज हो गए थोड़ा सा तो मतलब मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि भाई मेरी ऑडियंस मुझे क्यों देख रही है, मुझे में क्या पसंद कर रही है, क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा मतलब एक जब हम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो मैं कैमरे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे जब बात करता हूँ तो यार धीरे धीरे देखो चीज़ें, हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, तो यार काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे मैं भी सीखूंगा, ठीक है, और मैं भी क्या पता आप भी मुझसे कुछ सीख ही जाऊँ, क्योंकि देखो जर्नी तो मैंने आपको अपनी बता ही दिया, तो काफ़ी कुछ चीज़ों से मैं भी निकला हूँ, तो थोड़ा वो चीज़ भी आपको हेल्प कर सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो मैंने थोड़े काफ़ी सारे फेलियर्स देखे और उसके बाद एक सक्सेस भी देखी, लेकिन मैं इसको सक्सेस नहीं मानता, क्योंकि जब तक आत्मसंतोष ना हो तो वो सक्सेस नहीं कहलाती। तो अब कोई किसी में चीज़ में संतुष्ट हो जाता है, कोई किसी चीज़ में संतोष हो जाता है, बट मैं अभी मेरे अंदर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो इसलिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। सो दिस इज़ अनफिल्टर्ड कोरो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।